Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss the MCQs of class 9 IT-402 and the unit is Data Entry and Keyboard Skills. So let us start with the questions. The first question is, which is the standard input device? हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, उनमें सबसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा है, यानी कि जो हम मेनली यूज़ करते हैं डेटा को इनपुट कराने के लिए. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन. एज वी ऑल नो कि जो डेटा हमारा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, लाइक अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है या डिजिट्स की फॉर्म में हो सकता है. तो वो डेटा हम इन सब में से किस में से एंटर करा सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अल्फाबेट कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड? So here we have one picture of the keyboard. So here in this we can see here that there are 26 alphabet keys. A to Z हमारे 26 letters होते हैं और 26 ही हमारी alphabet keys रहती हैं. But ये एक ordered way में नहीं होती. Q से start होती हैं, that's a QWERTY keypad. That is a QWERTY keyboard you can say. So these are 26. Next is, how many number keys are there on the keyboard? 15, 11, 10 or 9. सो एज़ वी नो हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, जो कि टोटल होते हैं हमारे 10. आप यहाँ कीबोर्ड में भी देख सकते हैं हमारे पास नंबर कीज़ 1 से 9 है और ये 0 है अबव द अल्फाबेट कीज़, और एक हमारे न्यूमेरिक की पैड पे है फ्रॉम 0 to 9. तो टोटल हमारी न्यूमेरिक कीज़ कितनी हो गई? 10. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी फंक्शन कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड? फंक्शन की स्टूडेंट्स वो कीज़ होती हैं जिनका अपना अपना काम होता है सिस्टम के लिए. जैसे आप डेस्कटॉप पे अगर F5 की को प्रेस करते हैं तो वो रिफ़्रेश करती है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कीज़ को हम डिफरेंट की के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो भी उनका अपना एक वर्क होता है. तो हमारे कीबोर्ड पे कितनी कीज़ होती हैं फंक्शन कीज़? यहाँ देखिए, F1 से लेके हमारी कितनी है? F12 तक. तो ये हमारी हो गई 12 फंक्शन कीज़. नेक्स्ट वन इज़, विच की इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद द नंबर कीज़ टू टाइप द सिम्बल्स लाइक एट द रेट, हैश, एक्सेट्रा? ऐसी कौन सी की है जिसे आप नंबर की के साथ यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से आप एट द रेट और हैश से सिम्बल्स को जो है टाइप कर पाते हैं? तो यहाँ देखिए, ये सिम्बल्स हमारे कहाँ हैं? ये जो हमारी नंबर कीज़ हैं इनके जस्ट ऊपर हैं. तो इनको अगर आपको टाइप करना है तो आप शिफ्ट की के साथ इन नंबर कीज़ को अगर प्रेस करते हैं तो ये आपके सिम्बल्स आ जाते हैं. नॉर्मल प्रेस करेंगे तो नंबर्स आएंगे और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये सिम्बल्स आते हैं. ओके, सो द आंसर इज शिफ्ट की. नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज़ अ टॉगल की? इनमें से कौन सी हमारी टॉगल की है? अब देखिए स्टूडेंट्स, टॉगल की का मतलब क्या है हमने चैप्टर में भी पढ़ा था. टॉगल की का मतलब होता है कोई भी ऐसी की जिसको एक बार प्रेस करने पे वो अपने फंक्शन को काम करना स्टार्ट कर देती है और दोबारा प्रेस करने पे उसका फंक्शन ऑफ हो जाता है. जैसे कि हमारे पास जो कैप्स लॉक की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जनरली होती है हमारी नम लॉक की, कैप्स लॉक की और स्क्रॉल लॉक की. हमारे पास ऑप्शन है बैकस्पेस की, कैप्स लॉक की, एंटर की और डिलीट की. तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में कुछ कीज़ को प्रेस करने पे लाइट भी आ जाती है. तो बैकस्पेस की का काम क्या होता है? कैरेक्टर के, कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को इरेज करना. कैप्स लॉक की कैपिटल लेटर्स को लिखती है, एंटर की नेक्स्ट लाइन में लेके आती है कर्सर को, और डिलीट की कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करती है. तो इनमें से टॉगल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो है हमारी कैप्स लॉक की. कैसे? जब आप एक बार कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो सारे लेटर्स आपके कैपिटल में टाइप होते हैं, और जब आप उसे अगेन प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है और बाकी सारे लेटर्स आपके स्मॉल में टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसलिए हम इसे कहते हैं टॉगल की, जिसको एक बार प्रेस करने पे इसका फंक्शन ऑन हो जाता है और दोबारा प्रेस करने पे फंक्शन ऑफ हो जाता है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स जो किसी चीज़ को पॉइंट करें. कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर. तो आपने देखा होगा कीबोर्ड पे तो हम टाइप करते हैं, कीज़ को प्रेस करते हैं. माउस से यहाँ पे देखिए, जैसे ये पेंसिल बनी हुई आ रही है तो ये माउस पॉइंटर ही है. जब मैं माउस की कीज़ को डिफरेंट प्लेसेस पे मूव करा रही हूँ तो पेंसिल भी मूव कर रही है. तो अभी इसकी शेप पेंसिल के फॉर्म में है, दो इट इज़ अ माउस पॉइंटर. तो पॉइंटिंग डिवाइस हमारा कौन सा हुआ? माउस हुआ. प्रिंटर और स्कैनर बेसिकली क्या करते हैं? प्रिंटर हमारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है और स्कैनर हमारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ सेलेक्टिंग एंड मूविंग एन आइटम यूजिंग अ माउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड? जब आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है,
यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट करके इस तरह से मूव किया, तो इस ऑपरेशन को आप क्या कहेंगे? क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग और ड्रैगिंग। ऑफ कोर्स हमने कहीं पे क्लिक तो किया नहीं है, हम सिंपली उसे सेलेक्ट करके मूव करा रहे हैं। तो इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता हमारा। वेरी इजी आंसर, द आंसर इज ड्रैगिंग। नेक्स्ट इज, विच टेक्निक ऑफ टाइपिंग इज नोन एज टाइपिंग विदाउट द सेंस ऑफ साइट। कौन सी ऐसी टाइपिंग टेक्निक होती है जिसमें हम सेंस ऑफ साइट का यूज़ नहीं करते? सेंस ऑफ साइट हमारी किससे होती है? आई से, जिसमें हम बिना देखे टाइप करते हैं। स्पीड टाइपिंग, टच टाइपिंग, रियल टाइपिंग और नन ऑफ दीज। सो वेरी इजी, द आंसर इज टच टाइपिंग, जहाँ पे हम फिंगर से टच कर देते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें पता लग जाता है कि इस फिंगर की ये पर्टिकुलर पोजीशन है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन टच टाइपिंग? टच टाइपिंग में हमारे पास कितने स्टेजेस हैं? 2, 4, 3 या 7? तो यहाँ देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर है टच टाइपिंग का। इसमें हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले है हमारा टाइटल बार, ये है हमारा ऑप्शंस बटन, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेआउट से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। फिर आपका है मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज प्रोग्राम बटन, ये हमारे हैं कंट्रोल बटन्स, तीन कंट्रोल बटन्स टाइटल बार के ऊपर। ये हमारे टाइटल का नेम है और इसके एप्लीकेशन का नेम है। तीन हमारे पास यहाँ ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ द करंट लेसन, वन इज़ द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज़ द लेसन एडिटर। तो अभी हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास कोर्सेज हैं इंट्रोडक्शन, बिगनर, एक्सपीरियंस, एडवांस और टेस्टिंग। तो हमारे पास टच टाइपिंग में टोटल तीन स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन और बिगनर, जहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स और उनकी पोजीशंस को लर्न करते हैं। ये दोनों पहले स्टेज में आते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस जो होता है जो सेकेंड स्टेज में आता है, और एडवांस जो होता है वो फोर्थ स्टेज में आता है, और टेस्टिंग स्टेज जो होता है, बेसिकली ये कोर्स का नाम है, इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पूरा परफेक्ट हो जाते हैं अपने खुद को, अपनी स्पीड को चेक करने के लिए और चीज़ों को चेक करने के लिए। तो अगर हम कोर्सेज हमसे पूछे जा रहे हैं तो हमारे पास 5 कोर्सेज हैं, लेकिन अगर स्टेजेस पूछे जा रहे हैं तो हमारे पास सेकेंड स्टेज हो गया और फोर्थ हमारा थर्ड स्टेज हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स 3 स्टेजेस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज आर गाइड कीज? अब देखिए, इसमें से आपको बताना है कि गाइड कीज कौन सी हैं। एफ एंड जे, जी एंड एच, जे एंड के और के एंड एल। तो गाइड की स्टूडेंट्स कौन सी होती हैं हमारी? यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है। गाइड कीज बेसिकली वो कीज होती हैं जिनको प्रेस करने पे आपको एक छोटा सा टेंजिबल मार्क दिखता है, जो हमें गाइड करती हैं बाकी कीज के पोजीशन के बारे में। तो वो हमारी होती हैं एफ एंड जे। अपने अब कीबोर्ड पे कभी भी आप देखना, एफ और जे कीज के नीचे छोटा सा एक हाइफन का साइन होगा, जब आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। तो उससे गाइड हो जाता है हमें कि बाकी की ऊपर की कीज़ और आसपास की कीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे होगा एफ एंड जे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कोर्सेज आर देयर इन द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर? अब हमसे क्या पूछे गए हैं? कोर्सेज। अभी हमने डिस्कस किए थे कोर्सेज, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, इंट्रोडक्शन, बिगनर, एक्सपीरियंस, एडवांस और टेस्टिंग। तो वी हैव टोटल 5 कोर्सेज इन द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन द रिजल्ट विंडो? अब पूछ रहा है कि रिजल्ट विंडो कब आएगी? जब आप कोई लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। उसमें कितने टैब्स होते हैं? 1, 3, 2 या 4? तो इसके लिए हमें एक लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने एस को प्रेस किया, एल, ओके दिस इज एल, स्पेस देना है, स्पेस ए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमने एक लेसन कंप्लीट किया, हमारे पास ये साउंड आई और यहाँ पे देखिए ये हमारी रिजल्ट विंडो आ गई। अब रिजल्ट विंडो में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा रहा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। हर कलर का अपना मीनिंग होता है। क्या होता है हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हमसे पूछा गया रिजल्ट विंडो में कितने टैब्स हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टैब्स हैं। नेक्स्ट स्टेप कि अगर हमें दोबारा ट्राई करना है तो ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे।
डिटेल्स स्टैटिस्टिक्स हमें बताएगा कितने वर्ड्स आपके ठीक हैं, कौन सा वर्ड आपका गलत था, और एरर्स ओवरव्यू में आपको दिखाएगा कि कौन कौन से लेटर्स आपने गलत टाइप किए. जो रेड कलर से आपको शो हो रहे हैं वो आपके रॉन्ग टाइपिंग्स हैं, और जो ग्रीन कलर से हैं वो आपकी करेक्ट टाइपिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने टैब्स हैं हमारे पास? टोटल 3 टैब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स. इनमें से कौन से ऑप्शन आपके स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं? स्टूडेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स पैनल, लेसन कंट्रोल, या बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पे देखिए, इसको हम एक बार क्लोज करते हैं. यहाँ से हम दोबारा से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे एंड हेयर यू विल गेट टू सी द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एरिया. तो ऑफकोर्स जब हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में देख रहे हैं तो स्टूडेंट का अकाउंट तो वहाँ पे होगा ही. स्टैटिस्टिक्स पैनल यानी कि उसकी परफॉर्मेंस के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जिस पे वो कवर्ड है वो भी होगा. लेसन कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि वो लेसन से रिलेटेड हो गया, वो स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा बोथ ए एंड बी. तो हम यहाँ इसमें देख लेते हैं, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स देखना है तो यहाँ हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम दिखेगा. अब ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? स्टूडेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स पैनल. तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास है ये स्टूडेंट का अकाउंट हो गया, नेम आ रहा है, और स्टैटिस्टिक्स पैनल में आपको इस तरह से दिखा रहा है ऐसे पैराग्राफ बना के, और ये टेबल की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेसन कंट्रोल नहीं है क्योंकि लेसन से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं वो लेसन एडिटर में रहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लेसन एडिटर. इनमें से कौन सा लेसन एडिटर का फंक्शन नहीं है? देखिए, नेम से क्या पता चलता है, जो भी हम लेसन में चेंजेस कर पाएँ या लेसन के अंदर कुछ भी काम करना है तो वो कहाँ से कर सकते हैं? लेसन एडिटर से. तो मेक लेसन, क्या हम लेसन बना सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं. हमसे पूछा है जो फंक्शन नहीं है, लेसन को अपलोड कर सकते हैं, क्या हम इसके अंदर कोई भी लेसन अपलोड कर सकते हैं? और नेक्स्ट है डिज़ाइन कोर्स. तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोर्सेज और लेसन्स दोनों हैं. तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, क्या हम इसमें कोर्स अपना बना सकते हैं? यस, हमने यहाँ आईटी कोर्स बनाया हुआ है. ठीक है, इसी तरह से क्या हम इसके अंदर नया लेसन ऐड ऑन कर सकते हैं? देखिए, यहाँ क्रिएट न्यू लेसन है, ऐड एग्जिस्टिंग लेसन ऑप्शन आ रहा है. इसी तरह से नया कोर्स बनाना है, ऐड करना है, तो यहाँ से आप नए कोर्स बना सकते हैं और नए कोर्स के अंदर फाइल या लाइब्रेरी में से अपने कोर्सेज को ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड द लेसन. तो ये फैसिलिटी हमारे पास इसमें नहीं है, हम किसी लेसन को अपलोड नहीं कर सकते. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द लेसन एडिटर. लेसन को बना सकते हैं और कोर्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इंडिकेट्स बोथ इनकरेक्ट करेक्टर एज वेल एज एक्सीडिंग ऑफ द टाइम फ्रेम. अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक लेसन को कंप्लीट किया, हमारे पास 4 कलर्स की लाइंस आ गई थी, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन. तो इनकरेक्ट करेक्टर एज वेल एज एक्सीडिंग ऑफ द टाइम फ्रेम किससे शो होता है? हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो ग्रीन होता है वो करेक्ट कैरेक्टर को शो करता है कि आपने सही टाइप किया है. रेड जो है वो रोंग को शो करता है. ठीक है, और जो आपका येलो है वो आपका क्या शो करता है? कि आपने कैरेक्टर ठीक टाइम किया है लेकिन टाइम फ्रेम को एक्सीड कर दिया. और ऑरेंज जो है आपका, कि आपका जो कैरेक्टर है वो इनकरेक्ट है एज वेल एज आपने टाइम फ्रेम भी इंक्रीज कर दिया. तो उस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑरेंज. ओके, नेक्स्ट इज, विच कलर इन रैपिड टाइपिंग इंडिकेट्स दैट द कैरेक्टर टाइप्ड इज करेक्ट. कौन सा कलर रैपिड टाइपिंग में ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपने कैरेक्टर टाइप किया वो आपका ठीक है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो सही कैरेक्टर है वो आपका ग्रीन से डिनोट होता है और जो रॉन्ग कैरेक्टर है वो आपका रेड से डिनोट होता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू वी कॉल द एरिया इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर वेयर द टेक्स्ट टू बी टाइप्ड इज डिस्प्लेड. जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो वो जहाँ डिस्प्ले होती है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? ये देखिए, आपका रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस एरिया को हम बोलते हैं टेक्स्ट पैनल. क्या बोलते हैं? टेक्स्ट पैनल. द आंसर इज टेक्स्ट पैनल.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फॉर द पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क के लिए इनमें से कौन सी की नहीं है. पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, कहीं पे पॉज देने के लिए, कहीं पे स्टॉप करने के लिए, इस तरह से. तो कोमा हो सकता है, पीरियड यानी कि फुल स्टॉप हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, इक्वल साइन. क्या इक्वल साइन हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं? नहीं, इसको हम जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ पंक्चुएशन मार्क, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की. इनमें से कौन सी है जो एरो की नहीं है. टॉप डाउन राइट लेफ्ट. तो हमारे पास चार एरो कीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, अप डाउन राइट लेफ्ट. तो हम उसे टॉप नहीं बोलते हैं, हम उसे अप बोलते हैं. तो टॉप नाम की एरो की हमारे पास नहीं होती. कीबोर्ड है, इसमें चार एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफॉर्म बाय माउस. इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो माउस परफॉर्म नहीं करता. लेफ्ट क्लिक. क्या आप माउस से लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक होता है. डबल क्लिक, यस, जब हम माउस के लेफ्ट बटन को टू टाइम प्रेस करते हैं तो वो डबल क्लिक होता है. राइट क्लिक, हाँ ये भी हम कर सकते हैं राइट बटन को प्रेस करके. मिडल क्लिक, मिडल क्लिक नहीं होता क्योंकि माउस में अब टू ही बटन्स होते हैं और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है. पहले जो माउस आते थे उसमें थ्री बटन्स होते थे, लेकिन अब टू बटन्स होते हैं तो मिडल क्लिक फंक्शन कोई नहीं होता. अब बीच में दो बटन्स की होता है स्क्रॉल व्हील, जिसके वो मूव करने पे आप पेज को अप और डाउन मूव करा सकते हैं. नेक्स्ट इज इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा ठीक नहीं है. ग्रीन लेटर्स डिनोट राइट इनपुट, यस ये ठीक है. रेड लेटर्स डिनोट रोंग इनपुट विद इन टाइम, यस ये भी ठीक है हमारा. हमसे क्या पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये तो हमारे ठीक है, इन्हें हमें टिक नहीं करना. फिर पूछ रहा है कि येलो लेटर स्टैंड फॉर राइट इनपुट इन द एक्स्ट्रा टाइम. येलो लेटर्स जो हैं उसमें क्या होता है कि सही इनपुट है लेकिन एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ठीक है या नहीं है. ये भी हमारा ठीक है. फिर है ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन सा कलर हमें ये बताता है कि हमने इनकरेक्ट कैरेक्टर भी टाइप किया है और हमारा टाइम फ्रेम भी एक्सीड हो गया. हमने उसका आंसर क्या किया था, ऑरेंज. तो इसमें लिखा कि ऑरेंज कलर हमें ये बता रहा है कि हमने जो कैरेक्टर टाइप किया वो रॉन्ग है लेकिन टाइम के अंदर अंदर है, तो ये चीज़ हमारी गलत है. टाइम एक्सीड हो जाता है और कैरेक्टर रॉन्ग होता है तब हमारा ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है. दिस थिंग इज़ नॉट ट्रू, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज फॉर. लेसन कंट्रोल पैनल को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन के लिए, प्लान के लिए, साउंड्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए, या फिर बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए, ये आपका लेसन कंट्रोल पैनल है. इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, साउंड्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द ऑप्शन फॉर द करेक्ट आंसर इज द इनेबल और डिसेबल साउंड्स. नेक्स्ट इज टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन. टाइपिंग स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, KPM लाइक कीवर्ड्स पर मिनट, CPM कैरेक्टर्स पर मिनट, WPM वर्ड्स पर मिनट और नन ऑफ दीज. तो जो हमारे कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड होती है वो तीनों में से किसी में भी मेज़र की जा सकती है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथड, जैसे हम किसी को अगर अपनी टाइपिंग स्पीड बताते भी हैं तो हम कहते हैं कि एक मिनट में हम इतने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी स्टूडेंट्स वर्ड्स पर मिनट में. इसमें होती है वर्ड्स पर मिनट में. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी WPM, दैट इज वर्ड्स पर मिनट, ठीक है. यहाँ से जो आपका रिजल्ट आता है वो भी WPM में आता है, बट चाहें तो आप इसकी यूनिट को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अल्फाबेट्स A to Z एंड द नंबर 0 to 9. ये किस टाइप की कीज़ होती हैं. ए टू जी तो आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ हो गई और 0 to 9 न्यूमेरिक कीज़ हो गई, लेकिन दोनों कीज़ को अगर हम कोई भी डेटा टाइप करने के लिए इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों कीज़ के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज द अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेट एज वेल एज न्यूमेरिक कीज़. फंक्शन कीज़ आपको बताइए F1 से F12 तक होती हैं, तो वो इनमें नहीं आती. नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीपैड हेल्प्स टू एंटर डैश डेटा. न्यूमेरिक कीपैड, अब न्यूमेरिक कीपैड क्या है,
ये जो आपका कीबोर्ड है इसके जो राइट साइड में आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, इस पूरे कीपैड को हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो ये हमें कैसे डेटा को एंटर करने में हेल्प करता है? ऑफ कोर्स इसमें नंबर्स हैं तो नंबर्ड डेटा ही आएगा। अल्फाबेटिकल डेटा डाल सकते हैं? नो। नंबर्ड डेटा डाल सकते हैं? येस। अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स नहीं है और ना ही हम सिम्बल्स डाल सकते हैं। ऑल दो इसके अंदर कुछ सिम्बल्स हैं लेकिन सारा पार्ट सिम्बल्स का नहीं है, ठीक है। सिम्बल्स भी आपके कैसे हैं? अरिथमेटिक सिम्बल्स हैं। नेक्स्ट है डेल की या डिलीट की। इट डिलीट्स द कैरेक्टर एट द डैश साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको आप डेल की अगर प्रेस करते हो तो डिलीट की हमेशा क्या करती है? कर्सर के राइट साइड पे डिलीट करती है। तो डिलीट की प्रेस करेंगे तो डी विल बी इरेज्ड, तो कर्सर के राइट साइड पोजीशन पे। दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो बैकस्पेस की होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड पे डिलीट करती है। जैसे अगर आपका कर्सर आई और डी के बीच में है और आप बैकस्पेस की को प्रेस करते हैं तो आई इरेज होगा, लेकिन अगर डिलीट की को प्रेस करते हैं तो डी इरेज होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज पेज अप की इज यूज टू शिफ्ट द डैश वन पेज अप। जब आप पेज अप की को यूज़ करते हैं, अब पेज अप की कहाँ होती है? यहाँ देखिए, ये आपका कीबोर्ड है। पेज अप की यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कीज रहती हैं, इसमें आपकी आती है पेज अप की। तो उसमें आपको क्लिक करना है ये रही पी यू नाम से आपकी पेज अप की, ठीक है। तो इससे आपका कर्सर जो होता है एक पेज ऊपर चला जाता है। क्या ऊपर जाता है? कॉलम जाता है, रो जाती है, पैराग्राफ जाता है, कर्सर जाता है? ऑफ कोर्स कर्सर ही जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रेसिंग द एंड की मूव्स द कर्सर टू द डैश कैरेक्टर ऑफ द लाइन। आपने कोई कैरेक्टर लिखा, एक लाइन लिखी और आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ पे है। अब जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से एंड की को प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? एंड की को प्रेस करते ही, ये आपकी एंड की है, एंड की को प्रेस करते ही आप अपने लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे, कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। ऑप्शंस हैं टॉप, स्टार्ट, लास्ट और बॉटम। तो लाइन के लास्ट में पहुंच रहे हैं तो आंसर विल बी लास्ट। क्लियर। ऑल्सो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हैं। क्लास 9 IT 402 नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। All the chapters are properly explained. कोई भी chapter अगर आपको thoroughly एक बार glance करना है, समझना है, तो you can go to that playlist and check out all the chapters there. Next is, the numeric keyboard has dash columns and dash rows. Numeric keypad में कितने columns और कितनी rows होती हैं? यहाँ देखिए, ये आपका new keyboard है, इसमें numeric keypad यहाँ है, ये देखिए right side में। इसमें कितने columns है? 1, 2, 3 and 4. 4 columns हैं। रोज कितनी है? 1, 2, 3, 4 and 5. सो देर आर 4 कॉलम्स एंड 5 रोज। द ऑप्शन देर आर 3, 5, 4, 6, 4, 5 और 5, 4. द आंसर इज 4 and 5. 4 कॉलम्स, 5 रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द परसेंटेज ऑफ द करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज। टोटल एंट्रीज में से जितनी भी आपने करेक्ट एंट्रीज टाइप करी उसे हम क्या कहेंगे? टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स, टाइपिंग एक्यूरेसी, टाइपिंग कैरेक्टर और टाइपिंग एरर, दैट इज नोन एज टाइपिंग एक्यूरेसी। इसके बाद नेक्स्ट है टाइपिंग डैश प्रोवाइड्स द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइपराइटिंग एज इट मेंटेन्स एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो बेसिकली इसमें एक टर्म का नाम पूछा गया जिसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है, उसके लिए सपोर्ट दिया जाता है। तो वो सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, जो भी प्रोवाइड करता है, वो सपोर्ट टच टाइपिंग के लिए या प्रोवाइड किया जाता है, उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोला जाता है? उसे हम बोलते हैं टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स, दैट इज नोन एज टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रो विच बिगिंस फ्रॉम द कैप्स लॉक की। ऐसी रो जो कैप्स लॉक की से स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए, ये रो है आपकी जो कैप्स लॉक की से स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या है? ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास एंटर। तो ए एस डी एफ एंड जे के एल सेमी कॉलन, ये हमारी होती हैं स्टूडेंट्स होम रो कीज। बिकॉज सबसे पहले जब हम टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड की फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर्स, वो इन्हीं पे प्लेस होती हैं। लेफ्ट साइड की होती हैं ए एस डी एफ पे और राइट साइड की होती हैं जे के एल सेमी कॉलन पे।
तो क्योंकि इनके ऊपर प्लेस्ड होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्हें हम कहते हैं होम रो कीज। और आगे कुछ टाइप करना होता है तो हम इन्हीं के ऊपर या नीचे अपनी फिंगर्स को मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट इज़ द रो विच बिगिंस फ्रॉम द कैप्स लॉक की, उसे हम क्या कहते हैं, होम रो कीज। नेक्स्ट इज विच विंडो डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ ऑल द लेसन्स। अभी आपने देखा था हमने एक लेसन टाइप किया था, तो उसका रिजल्ट किस में आ रहा है, रिजल्ट्स विंडो, यूजर्स विंडो, स्टेटिस्टिक्स विंडो या नन। उसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट्स विंडो में। नेक्स्ट आपका है द स्टेटिस्टिक्स विंडो कंसिस्ट ऑफ डैश टैब। स्टेटिस्टिक्स विंडो में कितने टैब्स होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ देखिए ये आपका स्टेटिस्टिक्स पैनल है और ये आपकी स्टेटिस्टिक्स विंडो है। इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आ रही है इस फॉर्म में, अलॉन्ग विद दैट ये जो आपको टेबल दिखाई जा रही है इसे हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स टेबल, और यहाँ वे बार ग्राफ की फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है। तो टोटल हमारे पास एक ये टैब हुआ, वन इज दिस टैब, इसको हम एक ही में लेके चल रहे हैं, और एक ये हुआ स्टेटिस्टिक्स टेबल का टैब। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शंस हो गए स्टूडेंट्स, 3 टैब्स हो गए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेसन एडिटर विंडो इज़ यूज्ड फॉर। लेसन एडिटर विंडो को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कस्टमाइज द लेसन, चेक लेसन एरर्स, चेक प्रोग्रेस और नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जब हम बात करें लेसन एडिटर विंडो, नेम ही क्या कहता है, जब हम लेसन जिसमें हम लेसन को प्लान कर सकें, उसमें चेंजेस कर सकें, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेसन के अंदर कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेसन एडिटर में गए, यहाँ से हम देख रहे हैं कोर्स हैं, यहाँ से हमारे लेसन्स हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कहाँ कर सकते हैं, कोर्सेज और लेसन्स पे ही कर सकते हैं। तो बेसिकली लेसन्स को कस्टमाइज़ करना यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड ऑन करना या डिलीट करना, सो लेसन एडिटर विंडो इज़ यूज फॉर कस्टमाइजिंग द लेसन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एग्जिस्टिंग लेसन्स। इनमें से किस में एग्जिस्टिंग लेसन्स रहते हैं, टास्क बार में, टूल बार में या नेविगेशन पैनल में। तो यहाँ देखिए नेविगेशन पैनल हमारा हो गया ये, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फिर आपका टास्क बार होता है, वो तो हमारा नीचे रहता है जो हमारे सिस्टम में इस तरह से होता है, और फिर होता है आपका टूल बार। तो जो हमारे लेसन्स रहते हैं वो हमारे कहाँ रहते हैं, टूल बार में। ये जो अबाउट कोर्स और कोर्स ऑप्शन वाली लाइन है दैट इज़ नोन एज टूल बार। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लेसन को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने अभी लेसन लिया है दैट वी कैन चेक आउट। सो हेयर वी हैव द आंसर एज टूल बार विच इज़ हेयर। ये जैसे है हमारा यहाँ पे लेसन का मेन्यू आ गया, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स। तो कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ से नए लेसन को क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी एग्जिस्टिंग लेसन अगर आपको लेना है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड CPM स्टैंड्स फॉर। कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर्स पर मिनट और चेक पर मिनट। सो CPM का मतलब होता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव यू टाइप्ड पर मिनट, या कैरेक्टर्स पर मैट्रिसेस। ओके, सो CPM का मतलब होता है स्टूडेंट्स कैरेक्टर पर मिनट, एक मिनट में आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप किए। नेक्स्ट इज द फिंगर्स हिट द करेक्ट कीज ऑन द कीबोर्ड थ्रू। फिंगर्स कीबोर्ड को कौन से फोर्स से करेक्टली हिट करती हैं, मसल मेमरी, फोर्स ऑफ हैबिट और बोथ ए एंड बी। ऑफकोर्स मसल मेमरी, हमारे हैंड्स की जो मसल मेमोरी होती है उससे हम कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करते हैं या हिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाइल टाइपिंग कीप योर एल्बोज एट डैश, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट और कर्व्ड। जब आप टाइप करते हैं तो आपको अपनी एल्बोज को कैसे एंगल पे रखना है, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट और कर्व्ड। सो मेक श्योर दैट योर एल्बोज आर ऑलवेज एट द राइट एंगल। नेक्स्ट इज द थर्ड लेवल ऑफ रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर इज द डैश लेवल, एक्सपीरियंस्ड, बिगनर, एडवांस्ड या टेस्टिंग। तो यहाँ देखिए आपका है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के नेम है, इंट्रोडक्शन, बिगनर, एक्सपीरियंस्ड, एडवांस्ड, टेस्टिंग। आपसे पूछा है थर्ड वन इज एक्सपीरियंस्ड, सो द आंसर हेयर विल बी एक्सपीरियंस्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल बटन्स आर प्रेजेंट इन। जब हमने स्टार्ट किया था हमने 3 कंट्रोल बटन्स पढ़े थे, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज, वो आपके कहाँ प्रेजेंट है, नेविगेशन पैनल, टूल बार, टेक्स्ट पैनल और टाइटल बार। यस, द करेक्ट आंसर इज टाइटल बार। हाउ,
बिकॉज यहाँ देखिए ये थ्री कंट्रोल बटन्स हैं, ये हमारे टाइटल बार के एक्सट्रीम राइट साइड में है, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे सबसे लंबी की कौन सी है, एंटर की, स्पेस बार की, डिलीट की और बैक स्पेस की। देखिए दिस इज माई कीबोर्ड, देखिए सबसे लंबी की हमारी ये वाली है एंड दिस की इज नोन एज विच की, स्पेस बार की। सो द आंसर इज स्पेस बार की। नेक्स्ट इज डैश इज द एरिया वेर यू कैन मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग कोर्स ऑप्शंस और टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड लेसन इन द नेविगेशन ट्री। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कोर्स ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसका जो लेसन है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, एडिटिंग पैनल, टेबल एनालिसिस टेक्स्ट और नन। तो उस एरिया जहाँ पे हम कोर्स में और सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एडिटिंग पैनल। जैसे ये कोर्स है, नया कोर्स बनाया, आप इस न्यू कोर्स के अंदर कोई भी लेसन ऐड करना चाहते हो तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो इस नेविगेशन पैनल के अंदर आप कोर्स और लेसन में कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया को व्हाट वी आर सेइंग दिस इज नोन एज एडिटिंग पैनल। नेक्स्ट इज द डैश कोर्स हेल्प्स अ यूजर टू टेस्ट द टच टाइपिंग स्किल। किसी भी चीज़ की टेस्टिंग हम कब करते हैं, जब हम पूरा तैयार होते हैं। तो जब हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, कोर्स है, वो तैयार हो गया, हमने सारी चीज़ें लर्न कर ली, किसकी की कौन सी कीज़ की पोजीशन कहाँ पे है, तो उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो वो हमारा हो गया टेस्टिंग कोर्स। विच कोर्स? टेस्टिंग कोर्स। नेक्स्ट इज रैपिड टाइपिंग इंक्लूड्स अ डैश कीबोर्ड, फिजिकल, मैनुअल, वर्चुअल और नॉन ऑफ दीज। तो रैपिड टाइपिंग के अंदर स्टूडेंट्स जो कीबोर्ड रहता है हमारा वो कौन सा होता है, दैट इज़ आर वर्चुअल कीबोर्ड, बिकॉज वो हम उस पर बाहर से तो टाइप हम बाहर से टाइप कर रहे हैं वो फिजिकल कीबोर्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द MCQs ऑफ दिस चैप्टर, जितने भी बन सकते थे दैट आई हैव कंपाइल्ड इन दिस शीट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल रिगार्डिंग दिस एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अभी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और MCQs जितने भी हमारे चैप्टर्स के रह गए वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and take care of yourself. Thank you.